सीएम ने पहले लिया बड़ा फैसला और भोपाल में उसका ऐलान भी कर दिया ये फैसला किस चीज को लेकर है और कहा ऐलान किया यह भी मैं आपको बता दूं दरअसल जैन संतों के बीच में पहुंचे थे सीएम मोहन यादव क्षमावाड़ी कार्यक्रम में और उसी दौरान सीएम मोहन ने कुछ फैसले का जिक्र किया और मंच से बड़े नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बैठे हुए थे उनके सामने बड़ा ऐलान किया और खुद कहा कि यह संकल्प चुनाव के टाइम लिया था और अब ऐलान करता हूं पहले वो ऐलान क्या है जरा सुन लीजिए सागर में मेडिकल कॉलेज जो खुलने वाला उसकी मंजूरी आ गई है आचार्य विद्यासागर जी के नाम पर हमने इस मेडिकल कॉलेज को रखने की घोषणा की एक चीज की जरूर घोषणा करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं और विधानसभा चुनाव के पहले हमने एक संकल्प लिया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जैन कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे तो मैं आज उस जैन कल्याण बोर्ड के गठन करने की घोषणा करता हूं एक और घोषणा कर रहा हूँ हमारे बिहार के दरमियान हमारे मुनिगण आचार्यगण साधु संत जब भी किसी स्थान पर नगरी निकाय के या पंचायत के क्षेत्र से गुजरेंगे और कोई शासकीय भवन की अगर उनको आवश्यकता लगेगी शासन निशुल्क उपलब्ध कराएगा सर्वोच्च प्राथमिकता से उपलब्ध कराएगा तो सीएम मोहन यादव ने यह ऐलान किया एक तो मेडिकल कॉलेज खोलने का जो कि सागर में खोलेगा और इसके अलावा जैन संतों को लेकर जैन संतों को लेकर यह बड़ा ऐलान है और साथ ही साथ मध्यप्रदेश में जैन समाज को लेकर जैन समाज से जुड़ी हुई जो भी मूलभूत विकास से हुई जुड़ी हुई चीज़ें हैं या जैन समाज की कई मांगे कई अरसे से तो उसके लिए अलग आयोग यानी अलग बोर्ड बना दिया गया है जैन समाज कल्याण बोर्ड का गठन मध्य प्रदेश में करने की घोषणा सीएम ने कर दी है दरअसल जैन समाज काफ़ी अरसे से मांग उठाता रहा है कि उनसे उनके समाज से जुड़े हुए मुद्दे हों चाहे उनके समाज से जुड़ी हुई मांगे उसको लेकर सुनवाई के लिए जो है एक खास तौर पर सरकार की तरफ से विशेष व्यवस्था होना चाहिए तो यही संतों के बीच में सीएम मोहन ने ऐलान कर दिया सागर मेडिकल कॉलेज खोलने का भी ऐलान उन्होंने किया और चुनाव के वक्त का भी उन्होंने याद दिलाया कि बीजेपी ने संकल्प लिया था और साथ साथ जो जैन मुनि जैसे आपको पता है जैन मुनि निकलते हैं भ्रमण पर और सड़क पर ही भ्रमण करते हुए उनका विहार होता निकलते हैं तो ऐसे में जहां भी संत जाएंगे उनके रुकने के लिए सरकारी बिल्डिंग दी जाएगी उनको सुविधा प्रदान की जाएगी ऐसे तमाम चीजों को लेकर सीएम मोहन यादव भोपाल में ऐलान किया उन्होंने और फैसले किया यहाँ पर जिक्र भी किया जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि जैन समाज जो है काफी अरसे मांग कर रहा था इन चीजों को लेकर और समाज की मांग पहले यह भी रही कि उनके समाज से कोई मंत्री बनाया जाए लेकिन इस बीच भोपाल में संतों के बीच में पहुंचे सीएम का ये बड़ा ऐलान है मेडिकल कॉलेज की भी काफी अरसे से मांग की जा रही थी जिसको सीएम ने पूरा कर दिया आप देखते रहे एमपी तक